हेलो एवरीवन, आज हम फ्रिक्शंस में इक्विवेलेंट फ्रिक्शन, लाइक फ्रिक्शन और अनलाइक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने शेडेड पार्ट की फ्रिक्शन निकालनी सीखी थी। जैसे ये दो पार्ट है, एक पार्ट कलर्ड है तो 1/2, देन 1, 2, 3, 4। दो पार्ट शेडेड है तो 2/4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। थ्री पार्ट है तो 3/6। सो ये सब इक्वल है, 1/2 = 2/4 = 3/6। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। कैसे? जब हम 2/4 को कट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, तो 1/2 आएगा। 3/6 को करेंगे तो 1/2 आएगा। इस तरह से जो 1/2 है वो इक्वल है 2/4 के, यानी 1/2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/4 आएगा, और 1/2 को 3 से कर देंगे तो 3/6, इस तरह से। और जब रिड्यूस करेंगे तो वो ही सेम नंबर आ जाएगा। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव सेम वैल्यू। ये ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनकी फ्रैक्शंस इक्वल लगती है पर वो डिफरेंट होती है, पर वैल्यू सेम आती है। अब टू फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ अ गिवन फ्रैक्शन, अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर से। सो आगे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन, आप यहाँ पे दो ग्रुप देख सकते हैं। इन ग्रुप वन, आपको ग्रुप वन में जो डिनोमिनेटर है सभी का वो क्या दिख रहा है, सभी का डिनोमिनेटर 5 है। तो जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कहा जाता है लाइक फ्रैक्शंस। आप सेकंड ग्रुप में देखें तो सभी के जो डिनोमिनेटर है वो सारे अलग अलग हैं, तो ये हमारे क्या है, ये है हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस। सो जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अनलाइक होते हैं। तो इस तरह से आप ये करेंगे। अब तीन तीन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है, तो चलिए करते हैं। सो 1/6 में 1/6 × 2 = 2/12, 1/6 × 3 = 3/18, 1/6 × 4 = 4/24। तो आप इस तरह से निकालेंगे। इसी तरह से 2/7 की होंगी 4/14, 6/21 और 8/28। अब 3/5 की 3/5, 6/10, 9/15 और 12/20। अब 4/9 के 4/9, 8/18, 12/27 और 16/36। तो इस तरह से होगा। सो अब आइडेंटिफाई करना है लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस को। तो आप बताएंगे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, कि जो इस पहले ग्रुप में जो डिनोमिनेटर सेम वाली 1/7, 2/7, 4/7, 5/7 जो है ये लाइक है, और 2/5, 3/8 और 4/9 अनलाइक है। अब बी पार्ट में लाइक है 4/11, 5/11, 7/11 और 6/11, और अनलाइक में है 5/13, 11/17, 5/7 और 9/19। तो आप इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।